तो चलिए दोस्तों, आज के हम अपने फाइनल कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, मिस्टर एंड मिसेज पिंटू सिंह जी। तो मिस्टर एंड मिसेज पिंटू सिंह जी, क्या आप दोनों तैयार हैं? जी। तो आप दोनों पति पत्नी अपने अपने वचन बोलेंगे। तुम हमारे मित्र भी हो और सहचारी भी। हम उपार्जन करेंगे और तुम हमको भोजन प्रदान करोगे। पूर्व जन्म का संस्कार और भगवान की कृपा से आप हमको मिले। हम आजीवन आपकी सहचरिणी बनने का प्रतिज्ञा लेते हैं। हम धर्म और कर्तव्य निर्वाह में तुमसे सहायता चाहेंगे और हर क्षेत्र में अपने धर्म का पालन करेंगे। हम आपके परिवार के सभी सदस्यों को तृप्ति के साथ भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करेंगे। हम हमेशा तुम्हारे प्रति निष्ठावान रहेंगे। हम पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे। हम संतति और संपत्ति धर्म का पालन पूरा सच्चाई से करेंगे। हम सदा आपके सुख दुख में आपके साथ ही बनेंगे। हम हर अवस्था में तुमको सुखी और संपन्न रखेंगे। हम आपके माता पिता का आदर करेंगे और पतिव्रता धर्म का पालन करेंगे। हम जन्म जन्मांतर तक तुमसे प्रतिबद्ध रहेंगे। हम अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष का प्राप्ति में सदा आपका साथ देंगे। अब से आप हमारे लिए ईश्वर समान हैं। कमाल है सचमुच, कितनी खूबसूरती से आप लोगों ने हमें इन सातों वचनों के बारे में बताया।
हम हमारे जजेस से पूछते हैं कि उन्हें मिस्टर एंड मिसेस पिंटू सिंह का जवाब पसंद आया। जी हाँ, हम सबको इनका जवाब बहुत पसंद आया और हम सब इनको इस राउंड का विजेता घोषित करते हैं। हमें पता था हमारे दीदी और जीजा जी सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। तो दोस्तों, अब यह हमारा राउंड यहीं पे खत्म होता है। आप सबसे गुजारिश है कि कृपया ग्रीन रूम में जाकर अपने अगले राउंड की तैयारी कीजिए। सुनिए, चले। गंगा देवी, हमको लगता है हम अपना कमरा में हमारा जो अलमारी है उसको खुला छोड़ा है, जरा चेक करके आइए तो। ओहो, हम अभी आ रहे। हाँ बोलो बेटिया, क्या खबर है? अरे ऐसा कैसा हो गया, दोनों दूसरा राउंड में कैसे पहुंच गए? सुनिए, अलमारी तो बंद ही था, अब चलिए देर हो जाएगी। अरे क्या हुआ? मनीषा बेटा, ये सब क्या होने वाला है? तुमको कुछ समझ में आ रहा है का? नहीं माँ, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंचल, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है का? हाँ, हमको समझ में आ रहा है। ये सब पत्नी लोग घूंघट डाल के मंच पर आएंगी और बिना घूंघट उठाए सब पति लोगों को अपनी अपनी पत्नियों को पहचानना होगा। हाँ तो दोस्तों, इस राउंड में आपका स्वागत है। इस राउंड का नाम है हाय रे हाय तेरा घूंघटा। यहाँ घूंघट में खड़ी महिलाओं में से एक आपकी पत्नी है जिन्हें आपको पहचानना है। आप तीनों में से जो सबसे पहले अपनी पत्नी को पहचान लेंगे वो होंगे हमारे इस राउंड के विजेता। देखा, हम बोले थे ना क्या होगा। हाँ चंचल, थोड़ा देर चुप बैठो ना, वरना सुनाई नहीं देगा कि उन लोग का घोषणा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। आप लोगों को दूर से ही अपनी पत्नियों को पहचानना है और एक बार जो घूंघट उठा दिया तो खेल वही खत्म। तो आगे बढ़िए और देखिए इन सब में से वो कौन सा घूंघट है जिसके पीछे आपकी पत्नी छुपी हुई है। अतः हम वहां से शुरू करेंगे। जी, ये है अमरी वाइफ। तो चलिए देखते हैं संतोष जी का अंदाजा सही है या नहीं।
किसी और की मेहरानू को अपना बोल रहे थे यार, देखिए। अफसोस संतोष जी, आप अपनी पत्नी की सही पहचान नहीं कर पाए हैं, तो अब आप इस राउंड से बाहर होते हैं, तो कृपया आप उधर जाके बैठ जाइए। मैडम आप भी। आप लोग कृपया अपनी खोज जारी रखिए। सॉरी, वो मच्छर काट गया था। जैसे आप मम्मी के पास से गुजरेंगे, हम आपको इशारा करेंगे आउच, तो आप समझ जाइएगा कि घूंघट के पीछे खड़ी औरत मम्मी है। ये है अमरी मेहरारू। तो चलिए देखते हैं। बात है बिहारी जी, आपने तो घूंघट के अंदर से भी अपनी श्रीमती को झट से पहचान लिया। लगता है पिंटू जी आपने भी सोच ही लिया था किसका घूंघट उठाना है। जी कृष्ण है। तो चलिए देखते हैं क्या यही कृष्ण है। जीत के कितने करीब थी जीजा जी, लेकिन थोड़ा देर के लिए गड़बड़ हो गया। तो चलिए अब हम गुजारिश करते हैं अपने जजेस से कि हमें फैसला सुनाएं। इस राउंड के विजेता हैं श्री बिहारी राज। जोरदार तालियां दोस्तों, हम जीत गए हैं। दोस्तों, अब तक के स्कोर्स के अकॉर्डिंग मिस्टर एंड मिसेस बिहारी राज और मिस्टर एंड मिसेस पिंटू सिंह बिल्कुल बराबरी पर है। तो चलिए देखते हैं अगले राउंड में क्या होता है। हम अपने सारे कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ग्रीन रूम में जाकर अपने नेक्स्ट राउंड की तैयारी करें। अच्छा, आइए।
दोस्तों, मैं हमारे सभी प्रतियोगियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके वो मंच पर आ जाएं, ताकि हम अपना अगला राउंड शुरू कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस राउंड का नाम है सॉस सनम के हाथों का, और हम बात कर रहे थे इस राउंड के दिलचस्प मोड़ की, और वो ये है कि पत्नियां अपने पतियों को खाना बनाना सिखाएंगी, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा। जी हाँ, सिर्फ इशारे में बताएंगी, तो पतियों को उनका इशारा समझ के उसके हिसाब से दाल तड़का बनाएंगे, तो जिसकी दाल सबसे पहले बनेगी वो ही होगा हमारे इस राउंड का विजेता। हे भगवान, पिंटू जी को तो बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, मर गए। तेल, अब पानी, हे भगवान, दीदी को थोड़ा देर के लिए अच्छा एक्टर बना दीजिए, ताकि जीजा जी उनका सारा इशारा समझ पाए। दोस्तों, तीनों कंटेस्टेंट्स अपने अपने काम पे लग चुके हैं। चलिए देखते हैं। ये क्या कर रहे तुम्हारे चाचा? पर ऐसे थोड़ी बनता है दाल तड़का, ना हल्दी डाले हैं, ना टमाटर डाले हैं, इलो नमक भी नहीं डाले, देखना कितना बेस्वाद दाल बनेगा। अच्छा है ना माँ? का करें? ऐसे जब बोलते हो तभी समझ में नहीं आता, ये करने तो का समझे? अरे का कर रही है, सब देख रहे हैं। दोस्तों, इनकी दाल तो बनी नहीं, लेकिन बर्तन जरूर जल गया है। देहाती जी लगता है ठीक से इशारा समझ नहीं पाए बिहारी जी। पहले भैया उनसे पूछे तो सही, वो कहना क्या चाहती है कि काट डालें। लगता है संतोष जी की दाल गल चुकी है, चलिए देखते हैं। अरे वाह संतोष जी, आप दोनों ने सबसे पहले दाल बनाई, क्या जबरदस्त तालमेल है आप दोनों के बीच। और लीजिए, रिजल्ट हमारे हाथ में है, और इस राउंड के हमारे विजेता हैं मिस्टर एंड मिसेस संतोष सिंह जी। Set of India.